नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर पंजाब से जी। आज हम लोग जी पंजाब टेट का पेपर जो कि कल यानी 25 फरवरी 2018 को हुआ जी, इसका जो बुकलेट कोड बी है जी, वो वाला एसएस वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जी। 91st क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जी परमानेंट सेटलमेंट जी, जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं जी, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया जी? इसे इंट्रोड्यूस किया गया जी 1793 में। इसका आंसर आएगा जी डी, स्थायी बंदोबस्त जी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से फेमस है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो अंडरस्टूड, ये इसे बंगाल में ही इंट्रोड्यूस सबसे पहले किया गया था जी। जो जमींदार जो थे जी, वो ब्रिटिश लोगों के ही बड़े समर्थक थे जी, जिस कारण उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल पा रही थी जी। जो किसान लोग थे जी, इनका ही बड़ा ज्यादा शोषण होना शुरू हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चार्ल्स वुड डिस्पैच इज एसोसिएटेड विद। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है जी, ये किससे रिलेटेड है जी? ये एजुकेशन से रिलेटेड है जी। चार्ल्स वुड डिस्पैच जी एजुकेशन के फील्ड में जी, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है जी। लॉर्ड डलहौजी के वक्त में जी 1854 में, यानी 1854 में जी वुड्स डिस्पैच आई थी जी, और इसी के बेस पर जी 1857 में, यानी 1857 में जी इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जी, कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास में जी। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ अवध एनेक्स्ड। जो जी अवध राज था जी, उसको कब जी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया जी? इसका आंसर है जी डी, 1856 में जी। ये लॉर्ड डलहौजी का वक्त था जी। लॉर्ड डलहौजी के वक्त में ही इन्होंने झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध आदि को जी अपने अधिकार में ले लिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 94, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जी जो फर्स्ट सेशन है जी, ये कहाँ पे हुआ था जी? जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जी बॉम्बे में हुआ था जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जी, जिसकी स्थापना जी 1885 में हुई थी, 1885 जी। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी जी, और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था जी? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी जी। इसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जी, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जी? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी सी। इसमें कई क्वेश्चन है जी, जो कि दो दो क्वेश्चन जो है जी एक ही टॉपिक के इकट्ठे डाले गए। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जी, 94 है जी, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड 1885 में है जी। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी जी, और इसका पहला जो सेशन है जी, ये बॉम्बे में हुआ था। सेकेंड सेशन इसका ये कलकत्ता में हुआ था जी, और थर्ड सेशन इसका जो है जी, वो मद्रास में हुआ था जी। पहला जो सेशन हुआ था जी, उसका ये हेड कौन था जी? वो उमेश चंद्र बनर्जी जी। जो इसका सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में जी, उस वक्त हेड कौन था जी? दादाबाई नौरोजी जी। ये सेकंड के वक्त में थे जी, दादाबाई नौरोजी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 क्वेश्चन जी, व्हेन वाज द बंगाल प्रोविंस पार्टीशन। बंगाल का जो प्रोविंस था जी, इसे पार्टीशन कब किया गया? बंगाल जो सूबा था उसको मतलब दो भागों में कब बांटा गया जी? ये बात आती है जी 1905 की। जब भी बंगाल में इन्होंने देखा जी, इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे सब कुछ जी, तो इन्होंने यही मुनासिब समझा कि उस वक्त बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। बंगाल का जो दो हिस्सों में बांटा गया 1905 में बांटा जी, जो कि बाद में 1911 में इसे कैंसिल कर दिया गया था जी। ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल बनाया गया था जी। ईस्ट बंगाल जी, जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था जी, और उसके बाद जी ये बांग्लादेश के नाम से फेमस हुआ जी। लॉर्ड कर्जन के वक्त में बंगाल को जी दो हिस्सों में बांटा गया था जी। इसको याद करने का सिंपल वे भी बताते हैं हम लोग जी, भी लॉर्ड कर्जन जो है जी, इन्होंने कर्जा ही इतना ले लिया था, अभी बंगाल को दो हिस्सों में बांटना पड़ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जी, आइडेंटिफाई द मॉडरेट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जी, इनमें से मॉडरेट लीडर कौन थे जी? इसका आंसर आएगा जी ए, दादाबाई नौरोजी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जी 1907 में जी सूरत में दो हिस्सों में बट गई थी, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जी। कांग्रेस जो है दो हिस्सों में कब बटी थी? 1907 में जी। तो दो हिस्सों में दो हिस्से कौन कौन से थे? नरम दल और गर्म दल जी। तो इसमें पूछा गया जी हमें जी, नरम दल वाला जो लीडर पूछा गया जी, वो दादाबाई नौरोजी थे। बाकी तीनों जी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जी, तीनों जो है जी गर्म दल के नेता थे जी। 98 क्वेश्चन है जी, सर सैयद अहमद खान बिलोंग टू द सिटी ऑफ। सर सैयद अहमद खान जी कौन से शहर से बिलोंग करते थे? जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, सर सैयद अहमद खान का जब भी नाम आता है तो लोगों के दिमाग में अक्सर यही आता है भी अलीगढ़, लेकिन जी इनका जन्म जो है जी वो दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर आएगा जी ए,
सर सैयद अहमद खान का जन्म जी 1817 में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु है जी 1898 में हुई थी जी, ये अलीगढ़ में हुई थी जी। इन्होंने जी MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी जी, जो कि बाद में 1920 में जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ही फेमस हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ खिलाफत कमेटी जी, खिलाफत कमेटी का ये कौन पार्ट नहीं था जी। खिलाफत आंदोलन जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था जी 1914 से 18 तक चला था जी, और उसके बाद जी 1919-20 में जी ये कमेटी वगैरह बना के ये एक आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन के नाम से ये फेमस हुआ जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जी तुर्की हार गया था जी और अब ब्रिटिश जो है जी ये जीत गए थे जी। तुर्की का जो हेड था जी उसे जी खलीफा की उपाधि दी गई थी, तो हारने के कारण जी अंग्रेज लोग जो थे जी उनके साथ जी दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो मुसलमान के खिलाफ थे, वो कहते हमारे खलीफा के खिलाफ जी आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे जी, इसलिए उन्होंने जी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था जी। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जहां तक सवाल है जी, मोहम्मद अली जिन्ना जी चर्चा में मेन आया जी 1940 के पीरियड के करीब। 1940 में जी इन्होंने पहली बार जी आवाज उठाई थी भी पाकिस्तान को एक अलग कंट्री का दर्जा मिले जी। वेर भाई मदन लाल दिंगड़ा एग्जीक्यूटिव जी, मदन लाल दिंगड़ा जो है जी इन्हें 1909 में जी लंदन में फांसी दी गई थी जी, तो इसका आंसर आएगा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब इन अप्रैल 1919 जी। अप्रैल 1919 को जी पंजाब का जो है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जी, हमें पता है जी 1919 में जी 13 अप्रैल वाले दिन जी जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था जी, तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था जी उस वक्त जी पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर जी, जिसको बाद में जी उधम सिंह ने जी इंग्लैंड जाकर के मार दिया था जी 1940 में जी, और 1940 में ही उधम सिंह को जी फांसी की सजा सुना दी गई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जलियांवाला बाग जो है जी स्टेटेड इन द सिटी ऑफ, जलियांवाला बाग है जी कौन से शहर में जी, अमृतसर में जी, इसका आंसर रहेगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन कौन होता है जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, इसका आंसर आएगा जी सी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी राज्यसभा का जो हेड होता है जी वो वाइस प्रेसिडेंट होता है जी, और लोकसभा का जो हेड होता है जी उसे स्पीकर बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर इज द सीट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पे है जी, दिल्ली जी, बी इसका आंसर आएगा जी। सुप्रीम कोर्ट जी जिसकी स्थापना जी 28 जनवरी 1950 को की गई थी जी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है जी 31, 30 प्लस एक, एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जी, बाकी 30 दूसरे जजेस होते हैं, टोटल कितने हैं जी 31 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी कमीशन जो है जी इज नॉन फॉर, सरकारी कमीशन जो है जी इसे किस लिए जाना जाता है जी, सरकारी कमीशन जो है जी ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए जाना जाता है जी, 106 का आंसर क्या आएगा जी ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पार्टी सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन जी, मल्टी पार्टी सिस्टम जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं जी कई पार्टियां हैं जी, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं सभी को पता होता है जी, तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है जी इंडिया में चलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आइडिया ऑफ पंचशील इज एसोसिएटेड विद, पंचशील, पंचशील जी एक समझौता हुआ था जी इंडिया और चाइना के बीच में जी, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था जी 1954 की बात है जी 1954 की जी, इन्होंने 5 सिद्धांत जो है स्वीकार किए थे जी, तो इसमें पूछा गया जी किससे रिलेटेड है, इसमें चाइना तो आंसर दे नहीं रखा है, तो इसमें आंसर क्या आएगा जी बी इंडिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री इज नेल्सन मंडेला एसोसिएटेड विद, नेल्सन मंडेला जी ये कौन से देश से संबंधित है जी, नेल्सन मंडेला है जी साउथ अफ्रीका से संबंधित जी, इसका आंसर रहेगा जी बी। नेल्सन मंडेला के बारे में ही हम लोग जानते हैं जी, नेल्सन मंडेला जिन्होंने 27 साल जी अपने देश के लिए जी जेल में बिताए थे जी, 27 ईयर इन्होंने जेल में बिताए थे, इनको ही अफ्रीकन गांधी कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जो इंडियन रिपब्लिक का जी सेकंड प्रेसिडेंट कौन हुए जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सेकंड प्रेसिडेंट हुए जी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, तो आंसर इसका आएगा जी ए, एस राधाकृष्णन जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जी और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जी, आइडेंटिफाई द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, तो आंसर क्या आएगा जी इसका डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली जी, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जी कितनी सीट्स हैं जी, 117 जी,
पंजाब में जी लोकसभा की सीट जो है जी वो 13 हैं और राज्यसभा की सीट जो है वो 7 हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु एग्जीक्यूटेड द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो जी इन सिंध। मोहनजोदड़ो की जो साइट है जी उसको एग्जीक्यूट यानी उसकी खुदाई वगैरह का श्रेय किसको जाता है जी, राखलदास बनर्जी यानी ए आर डी बनर्जी जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई जो है जी 1921 में शुरू होती है जी और सबसे पहले जी हड़प्पा जो स्थान है जी उसे खोजा गया था जी, उसका श्रेय जाता है जी दयाराम साहनी को जी। दयाराम साहनी का नाम किससे जुड़ा है जी, हड़प्पा से जी। तो इसी कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को जी हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है जी। जो मोहनजोदड़ो है जी यहाँ पे खुदाई जो है जी 1922 में हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज द टर्म अश्व मीन इन द ऋग्वेद। अश्व वर्ड बहुत जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, अश्व जो है जी वर्ड ये किससे रिलेटेड है, घोड़े के लिए यूज किया जाता है जी, सी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी आर्य काल में जी ये लोग अश्व मेघ यज्ञ किया करते थे जी। अश्व यानी कि घोड़ा यानी हॉर्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग जी। अष्टांगिक मार्ग यानी कि एट फोल्ड पाथ जी। इसका आंसर आएगा जी बी अष्टांगिक। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है अष्ट वर्ड जो है ये आठ के लिए यूज किया जाता है जी। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है जी। महात्मा बुद्ध ने जी एट फोल्ड पाथ बताया था जी। इसको क्या कहा गया जी, भिक्षुकों का जी कल्याण मित्र। भिक्षुकों के कल्याण के लिए क्या क्या उन्होंने आठ रास्ते अडॉप्ट करने हैं ये वो बताया गया जी, जैसे राइट एफर्ट होने चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए वगैरह जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रियदर्शी एम्परर अशोक का सेकंड नेम वाज डिस्कवर्ड इन। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी अशोक को जी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है जी। तो इनका जो सेकंड नाम है जी ये कब खोजा गया था, ये 1915 की बात है जी। आंसर आएगा इसका जी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज पुलकेशिन द्वितीय जी। पुलकेशिन द्वितीय जो ये कौन थे जी, ये जी चालुक्य किंग थे जी। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं जी, हर्षवर्धन जो जी नॉर्थ इंडिया का ही लास्ट हिंदू रूलर हुआ है जी। हर्षवर्धन को जी पुलकेशिन द्वितीय ने 633 ईस्वी में जो इनके बीच युद्ध हुआ था जी नर्मदा नदी के किनारे जी, वहां पर जी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मार्केट रेगुलेशन जी। मार्केट रेगुलेशन किसने इंट्रोड्यूस किया जी, अलाउद्दीन खिलजी ने जी। तो इसका आंसर आएगा जी सी, अलाउद्दीन खिलजी जी, जिन्होंने स्थायी वेतन की प्रथा शुरू की। पहले जी लोगों को जी परमानेंट रूप से सैलरी नहीं दी जाती थी, तो शुरुआत इन्हीं को जाती है जी। इन्होंने जी स्थायी वेतन का प्रारंभ किया जी, लेकिन वेतन इन्होंने बहुत कम रखा जी। इन्होंने जैसे वेतन रख दिया जी लगभग 10,000 जी। तो इनके बारे में जी लोग अक्सर चर्चा करने लगे जी, 10,000 में बनता है कुछ नहीं है जी, तनख्वाह बहुत कम है जी। इन्होंने छानबीन की, कहते भी क्या वजह क्या है भी, 10,000 तो काफ़ी हैं। तब इनको पता चला भी मार्केट में कई चीज़ें जो है बहुत ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं जी। तब इन्होंने मन बनाया, कहते जी मार्केट को कंट्रोल किया जाए जी। तो इन्होंने बड़ा कठोर नियम बना दिया जी, जो आदमी जितनी हेरा फेरी करता है जी उसके शरीर का उतना मांस काट लिया जाए जी। इस तरीके से इन्होंने मार्केट को कंट्रोल करना ही शुरू किया जी। तो इसका आंसर क्या आएगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब्बुल फजल वाज इन द कोर्ट ऑफ। अब्बुल फजल जी किन के कोर्ट में थे जी, अकबर के कोर्ट में जी। वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन जी। इसका आंसर आएगा जी डी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी अकबर के ऊपर जी दो किताबें लिखी गई हैं, दोनों अब्बुल फजल ने लिखी है जी। कौन कौन से जी, आईने अकबरी एंड अकबरनामा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द ड्यूल सिस्टम इन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जी ड्यूल सिस्टम जो है जी वो कहां पे इंट्रोड्यूस किया था जी। तो इसका आंसर आएगा जी बी, बंगाल में जी। इसके जो बाकी 30 क्वेश्चन है जी वो सेकंड पार्ट में मैं डाल दूंगा जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी, ताकि बाकी लोग भी है जी इसे बेनिफिट ले पाए जी। थैंक यू जी।